ये देखें जी, ये अब इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इसको जो है ना जी प्रेस कर दिया में आ जाती है ये गांठों की शक्ल में। ये ऊपर जो है जी ये इसके ऊपर पट्टी भी लग गई हुई है तो ये शक्ल में आ जाती है जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपके जान व माल में बहुत बहुत बरकतें अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये नाजरीन, आज हम आपको एक तूड़ी प्रेस मशीन पे लेकर आए हैं जी। यहाँ पर ये तूड़ी जो है जी प्रेस की जाती है। ये लेबर जो है ना जी, ये तूड़ी का स्टॉक पड़ा हुआ आप देख रहे हैं जी। इस तूड़ी को स्टॉक को लेबर जो है जी एक मशीन के ज़रिए प्रेस करके तो इसकी गांठें बनाते हैं और फिर ये बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती है। तूड़ी जो है जी इसका इस्तेमाल जो होते हैं जी ये गाय भैंसों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है बतौर खुराक के तौर पर। तो इसलिए जो है ना जी पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कामयाब बिज़नेस है। तो मैं आपको इसकी मशीन भी दिखा देता हूँ, रिव्यू दे देता हूँ उसका भी। ये देखें जी, यहाँ पर तूड़ी डाली जाती है और फिर इसको जो है ना जी प्रेस किया जाता है। ये मशीन है जी तूड़ी वाली, तो यहाँ पर तूड़ी डाल के इसको प्रेस किया जाता है। देखें जी, अभी ये पलियों में लाई जा रही है तूड़ी और इस तूड़ी को जो है ना जिस मशीन के अंदर डाला जा रहा है। ये देखें जी, इस तूड़ी को मशीन के अंदर डालेंगे, ये प्रेस मशीन है, इसको आगे से कंपैक्ट करके ये प्रेस कर देगी। मशीन का कमाल यही है कि ये तूड़ी को प्रेस कर देती है और एक गांठ की शक्ल में बना देती है। ये देखें जी, ये अब इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसको जो है ना जी प्रेस कर दिया जाएगा। ये देखें जी, ये पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ये उसके ऊपर जो है जी तूड़ी प्रेस करके उसके ऊपर फिर जो है ना पट्टी के साथ जो है उसको कवर कर दिया जाता है। ये पट्टी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये पट्टी लगाई जाती है जी तूड़ी के ऊपर प्रेस करने के बाद, फिर जो है ना जी इसको बाहर के मुल्कों में जो है ना जी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये कराची, यहाँ से कराची जाते हैं ट्राले बड़े बड़े जो है लोड होके, और वहाँ से फिर ये UAE दुबई सऊदीया वगैरह जो है वहाँ से ये एक्सपोर्ट होती है। वहाँ पर ऊँटों का चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है तूड़ी, तो इसके काफ़ी इस्तेमाल हैं जी। तो आपको दिखाने का मकसद यही था कि ये तूड़ी प्रेस मशीन जो है जी ये एक बहुत अच्छा और वसी कारोबार है पाकिस्तान में, एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है जी। जायज़ सरमाए के साथ जो है ना जी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। 230-40 रुपए मन जो है जी तूड़ी मिल जाती है सीज़न में, और फिर इसको जो है ना जी ये कम्पैक्ट करके तकरीबन 450-100 मन के हिसाब से जो है ना जी ये सेल आउट होती है आउट ऑफ सीज़न जो है जी। ये जी आप काने नुमा देख रहे हैं जी, इसको डिप या काई कहते हैं, ताकि जो है ना ये तूड़ी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अंदर जो है ना जी इसको कंपैक्ट करने के लिए तो प्रेस मशीन के अंदर, ताकि जो है ना तूड़ी जो है ये बिखरे ना एक ही जगह पर जाकर ये जो कंपैक्ट हो जाए और ये जो है ना इसकी प्रेसिंग जो है वो अच्छी हो सके। ये देखें जी, ये कंपैक्ट होने के बाद इस शक्ल में आ जाती है, ये गांठों की शक्ल में। ये ऊपर जो है जी ये इसके ऊपर पट्टी भी लग गई हुई है तो ये शक्ल में आ जाती है जी। ये देखें जी, कंपैक्ट हो गई है, ये इस वक्त ठोस फॉर्म में आ गई है जी। पहले ये खुली फॉर्म में आपको मैंने दिखाई थी, ओपन होती है बिल्कुल भूसा सा होता है। ये भूसा जो है जी अब कंपैक्ट हो गया है, इसके ज़रिए जो है ना जी आप आसानी से जो है ना इसको बाहर के मुल्कों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंटेनर्स में ये आसानी से जा सकती है, ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह ये जो है ना मुख्तलिफ इन्होंने यहाँ पर ये गांठें लगाई हुई हैं बनाकर। ये जी मैं आपको पूरा क्लियर व्यू दे देता हूँ। ये देखिए, इन्होंने गांठें लगाई हुई हैं। उसके बाद अगला प्रोसीजर जो होता है ये लोडिंग का होता है। ये ट्राला देखें लोड हो रहा है जी, तो ये लोडिंग होके आउट ऑफ कंट्री जो यहाँ से कराची जाएंगे, फिर आउट ऑफ कंट्री जो है कंटेनर्स में ये जो है ना जी कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, अबूजहबी वगैरह जो है गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दी जाती है और यूरोप में भी जाती है जी हमारी ये पूरी। ये भूसा हमारा यूरोप में भी जाता है जी। ये हमारे पाकिस्तान का एक ख़ास कमाल है, यहाँ पर पैदावार चूँकि गंदम की बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे पैमाने पर भूसा निकलता है, तो ये हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर के मुल्कों में, यूरोप में भी जी। ये जी इन्होंने जनरेटर चलाया और जनरेटर के ज़रिए ये जो है जी इन्होंने ये प्रेस करके गांठ जो है तूड़ी की ये मशीन में से अब ये निकाल रहे हैं। ये कारीगर जो है मशीन में से ये पट्टी लगाकर इस गांठ को, ये अंदर प्रेस हो गया, पट्टी लगाकर इसको बाहर निकाल लेगा।
ये देखिए जी, ये देखिए ये कमाल है जी यहाँ का, ये प्रेस मशीन का। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर किसी किस्म का जो है ना जी हीट वगैरह नहीं दी जाती इस मशीन में, ये सिंपल वेट के ज़रिए प्रेस की जाती है जी। तूड़ी को वेट के ज़रिए प्रेस किया जाता है। ये देखिए ये तूड़ी अंदर डाल रहे हैं और इसको वेट दे के प्रेस किया जाएगा, हीट नहीं है इसके अंदर, इस मशीन पे किसी किस्म की हीट नहीं है। ये देखिए ये चंद सेकेंड्स में तकरीबन जो है ना जी ये प्रेस हो जाती है। ये देखिए जी अब प्रेस हो गई है, तो अब इसको ये निकाल रहे हैं। नहीं जी ये गाड़ी तैयार है इस वक्त जो है ना जी मुकम्मल तौर पर, ये इसके ऊपर तूड़ी जो है वो लोड की जा चुकी है, कुछ रह गई है वो लोड कर रहे हैं कारीगर। तो इस गाड़ी को जो है ना जी अब यहाँ से ये मूव किया जाएगा कराची के लिए। तो अभी मैं आपको अंदर ले जाऊंगा पैनल रूम में, ये तूड़ी प्रेस मशीन जो है ये कैसे काम करती है, ऑपरेटर जो है इसको कैसे चलाता है, इसके लिए ख़ास ऑपरेटर होता है जी, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे चला रहा है और कैसे प्रेस कर रहा है और कंट्रोल कैसे कर रहा है। कंट्रोल रूम भी आपको दिखाऊंगा वहाँ से कैसे कंट्रोल होती है। तो आइए चलिए मैं वहाँ से आपको जो है ना सारी डिटेल दिखाता हूँ उसकी। पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट न्यूज़ जो है या लेटेस्ट वीडियोस जो है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो नाज़रीन हमारी वीडियोस पे बहुत मेहनत होती है, हम जो है जी बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। साहब जो है जी ये यहाँ पर जो है ना जी एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो ये हम इनसे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे ये जो है ना मॉनिटर कर रहे हैं। ये सर ये बताएं कि ये जो है ना किस महीने से स्टार्ट होता है तूड़ी वाला काम और किस महीने तक चलता है जी? ये तकरीबन अप्रैल से शुरू होता है, सीज़न स्टार्ट होता है ना चौथे महीने से। अच्छा जी, ये जो है ना दो महीने का सीज़न होता है, उसके अलावा जो है ये तकरीबन पूरे साल का टारगेट होता है। अच्छा जी, पूरे साल में तकरीबन 12 महीने ये पूरे चलता है। इनका कहने का मकसद ये है कि 2 महीने ये परचेजिंग करते हैं तूड़ी की और इसको पूरा साल जो है ना ये इसको जो है ना कंटिन्यू करते हैं इस कारोबार को जी, जी। तो इस तरह जो है ना इसको जो है ना कंटिन्यू किया जाता है। सर ये एक बताइएगा कि ये एक प्रेस मशीन के साथ आप रोज़ के कितने ट्राले जो हैं वो यहाँ से बनाकर आप निकाल सकते हैं? डेली का एक गाड़ी होता है, उसके ज़्यादा तो कुछ और ज़्यादा बंडल इजाफी हो जाते हैं, तकरीबन हफ्ते में 10 गाड़ियाँ जो हैं वो निकलती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कई लोग बेरोज़गार हैं, थोड़ा सा जो है ना जी इस बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कारोबार के लिए पैसा तो है उनका उनके पास, लेकिन जो है ना जी कोई कारोबार का जो है ना जी कोई नौयत का नहीं इतना पता चलता, तो क्या उनके लिए ये सूटेबल बिज़नेस है अगर वो ये कारोबार करना चाहें तो? जी कर सकते हैं बिल्कुल। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है इस कारोबार में? अच्छा लें जी, इन्होंने कह दिया जी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, लिहाजा जो है ना आप ये कारोबार आसानी से कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।